जिला कुरुक्षेत्र के गांव भोर सहंदा में आए दिन नील गाय व देसी गाय के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सिलसिला जंगलात पास होने के कारण पास लगते गांव में नेशनल हाईवे पार करके गाय किसानों के खेत में घुस जाती हैं व किसानों का काफी नुकसान करती हैं, जिस कारण किसान बहुत परेशान हैं। किसानों ने बार बार सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई है, परंतु इसका कोई भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण किसान बहुत परेशान है। इसके अलावा जब नील गाय विदेशी गाय नेशनल हाईवे को पार करती हैं, तो अनेक यात्री उनकी चपेट में आ जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। कई बार तो लोगों को इनकी चपेट में आने से मौत भी हो चुकी है। लोगों ने प्रशासन व सरकार से पुरजोर मांग की है। सर आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? सर मैं मलूक सिंह, गांव मेरा जो है जी मुकीमपुरा है। हम जी यहाँ नील गाय और जो देसी गाय है उनसे इतने ज्यादा परेशान है कि कहने की हद नहीं है। हमारे पास ही यहाँ है सहरसा गांव के साथ ही छिलछा के नाम से जो है ना जंगल है, जो कि सरकार ने इनको बढ़ावा दे रखा है। ये वहाँ से निकलते हैं रात में, दिन में भी और रात में भी पशु निकलते हैं और आके आवारा पशु जो है ये नील गाय जो है हमारी खेती को खाई जा रही है, जिससे हम इतने परेशान हैं। प्रशासन को भी हम 200 बार कह चुके हैं, लिख के दे चुके हैं, पर हमारी कभी भी सुनवाई नहीं हुई। मैं जिम्मेदार हूँ जी, मैंने 25 एकड़ जमीन जो है ठेके पे ले रखी है 52,000 के रेट पे, और हम कम से कम भी 5-7 घंटे इनको निकालने के लिए वेस्ट करते हैं जी। हम तो इतने मजबूर हैं जी, जो देसी गायें हैं वो रात को रोड पे आके बैठती हैं जी, उनके कारण हर रोज एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई मरता है जी। तो प्रशासन इस बात के सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो नील गायें हैं ये भी दोनों तरफ जो है सड़क क्रॉस करती हैं, हर रोज एक्सीडेंट होता है। हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो इस बात पे हैं जी, हमने खेती छोड़नी पड़ेगी।